अल्लाम उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड टी ट्वेंटी एट हमिल्टन और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक मरतबा फिर संडे जो है क्रिकेट के लिहाज से इतना ख़ास नहीं रहा और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों ट्वेंटी वन रन से जो है शिक्ष का सामना करना पड़ा और ये पाँच मैचों की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को आ, दो सिफर की बढ़तरी हासिल हो चुकी है यानी अगर तीसरा मैच पाकिस्तान हारता है तो सीरीज़ पाकिस्तान वहीं पर हार जाएगा आ, स्टार्ट लेंगे शाहीन आफरीदी से जिन्होंने आज भी टॉस जीता लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी भाई आपने पहला मैच जो है उसमें आपने न्यूजीलैंड को बैटिंग कराई थी उन्होंने दो सौ छब्बीस रन आपको लगा दिए थे बीस ओवर में और आप जो है वो चेज़ नहीं कर पाए उसको तो सेकेंड मैच में मैं नहीं समझता कि विकेट में कोई इतना ज़्यादा सीम या स्विंग था कि आपने जो है बैटिंग देने की नौबत आई आप पहले बैटिंग करते स्कोर लगाते बड़ा बोर्ड पर और उसको ऊपर डिफेंड करते क्योंकि चेजिंग का प्रेशर तो हमेशा होता है चाहे आप एक सौ साठ बनाए या दो सौ बनाए बहरहाल यहाँ पर गलती हुई शाना अफरीदी से और जो है न्यूजीलैंड ने स्टार्ट अच्छा लिया फिन एलन ने आज भी चौहत्तर रन की शानदार इनिंग खेली और उसामा मेर ने उनको सेवेंटी फोर रन पे आउट किया वरना लग रहा था कि शायद वो सेंचुरी स्कोर कर देंगे केन विलियमसन और फिन एलन जो है वो जब तक खेल रहे थे मोमेंटम नम कंप्लीटली दौड़ में न्यूजीलैंड के पास था और उस वक्त लग रहा था कि न्यूजीलैंड आज के मैच में भी दो सौ क्रॉस खड़ जाएगा बहरहाल उस वक्त उस मीर और अब्बास आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाह करके दो तीन क्विक विकेट्स निकाल के पाकिस्तान को मैच में वापस लाया अब्बास आफरीदी दो विकेट्स ले ले सके उनका स्टार्ट जो है करियर का अच्छा हुआ है अच्छी बॉलिंग की उन्होंने मुनासिब बॉलिंग की इसके अलावा हारिस श्रौफ़ तीन विकेट्स ले ले सके लेकिन हारिस श्रौफ़ जो है उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है मतलब आप इतने सीनियर बॉलर अब हो चुके हैं इतने मैचेस खेल चुके हैं उसके बाद भी आके अब हर मैच में पहले एक दो ओवर में अपने जो है पच्चीस तीस रन खा जाते हैं आज भी उन्होंने पहले दो ओवर में अपने दिए फिर उन्होंने किया डेथ में तो टेल एंडर्स को आउट करके अगर आप जो है आ, समझते हैं कि आप बहुत बड़े बॉलर बन जाएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो हारिश्रोफ को 100 परसेंट इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी अदरवाइज आपके पास ऑप्शन हैं आप वसीम जूनियर को खिला सकते हैं ऐसा नहीं है कि जी हारिशरोफ ही खेलेंगे टी ट्वेंटी मैच उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है एनी वे पाकिस्तान ने जो है स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था साइम जो कि पुल शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गया आज रिजवान ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया पहली बॉल पर उन्होंने टीम सऊदी को जबरदस्त किस्म का छक्का लगाया आ, लेकिन उनको एडम मिलने ने सेकेंड ओवर में आउट किया अच्छी बॉल थी आ, तो पाकिस्तान दस रन पे दो विकेट्स अपनी खो चुका था वहां आए फिर मिस्टर रिलायल आजम जिनको तनकीद का सामना करना पड़ता है आ, अब वो तीसरी पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं जिसमें उन्होंने उस पोजीशन को भी अपनी जस्टिफाई करके दिखाया आज भी उन्होंने रन स्कोर किए टॉप स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से दो छक्के भी लगाए सेवन बाउंड्रीज उन्होंने लगाई अब बात यह है यहाँ पे कि आपको एक सौ नब्बे या दो सौ रन अकेले बाबर आजम तो बना के नहीं दे देगा साई मयूब जिस तरह के प्लेयर हैं आपको पता है या तो वो आपको अकेले मैच जितवा देंगे सही है या आपको स्टार्टिंग से वो आठ दस बॉल अगर वो खेल जाए तो आपको पच्चीस अच्छा स्टार्ट फराम कर सकते हैं लेकिन उनकी ऐसी इनिंग्स भी आएंगी जिसमें वो पहली बॉल पे या विद इन टू, टू टू थ्री बॉल्स आउट भी हो सकता है विद इन टेन रन और वही आज हुआ तो हर मैच में ऐसा प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर हर मैच में नहीं चलता तो दैट्स वाई वी नीड इट बाबर आजम एट नंबर थ्री अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है अपने क्विक विकेट्स को भी देता है पावर प्ले में तो वहाँ पे बाबर आजम आके थोड़ा सा उसको विकेट को होल्ड कर सकते हैं सिंगल डबल कर सकते हैं लेकिन बाबर आजम ने आज आते के साथ ही अपनी इंटेंट शो करी और ये बताया कि जी मकसद मैच जीतना है तो उन्होंने आते के साथ ही बाउंड्रीज वगैरह लगाई और फखर जमान के साथ बड़ी जबरदस्त उनकी पार्टनरशिप हुई फखर जमान पच्चीस बॉलों में पचास रन स्कोर किए जिसमें उनके पांच छक्के शामिल थे तो फखर जमान की जिस वक्त बैटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त वो तो आपका दिल नहीं करता कि आपकी नज़रें टी वी से हटें अनफॉर्चुनेटली इन साइड लगा वो आउट हो गया और उसके बाद जैसे पाकिस्तान टीम जो है वो बैटिंग करना ही भूल गई और बाबर आजम एक एंड पे अकेले रह गए इफ्तार अहमद बहुत मायूस किया आप अपने नाम के साथ इफ्मेनिया लगा लें कुछ भी लगा लें लेकिन इन दी ग्राउंड आपने परफॉर्म करना होता है और इफ्तार की परफॉर्मेंस जो है बहुत मायूस कौन है अहम स्टेजस पे जो है वो काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं होता कि आप चार पांच मैचेस में फेल हो और फिर एक मैच में परफॉर्म कर दें आप इसके अलावा जो, बैटिंग जो है बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा जो है गलतियाँ हैं अगर आप आज़म खान को खिला रहे हैं टीम में तो आप उनको उनकी पोजिशन पर खिलाएँ आप उनको इफ्तखार से पहले जो है बैटिंग करने भेजें जिस वक्त स्पिनर्स खेल रहे होते हैं वहाँ पे वो तीन चार बॉलें खेल के सेट होने के बाद बड़ी हिट्स लगा सकते हैं लेकिन आज भी जिस मौके पर वो आए वहाँ पे पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं था उनको हिट्स ही लगानी थी लेकिन फिर भी मायूस किया आ, अगर पाकिस्तान देखें मैज इक्कीस रन आज हार है अगर इफ्तार और आज़म खान थोड़ी रिस्पॉसिबिलिटी शो करते और बाबर आजम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते तो पाकिस्तान बासानी है मैच जीत जीत सकता था तो बाबर आजम को आप मतलब ये नहीं कह सकते जी कोहली ने अगर मैच जितवा दिया था तो बाबर आजम भी उसी तरीके से मैच जितवा देंगे हर बैट्समैन की कैपेसिटी होती है तो बाबर आजम की जो कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही खेला और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला हमारा जो बाबर आजम से हमेशा जो इख्तलाफ रहता था वो स्ट्राइक रेट था ठीक है जी लेकिन अब वो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से खेल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है कि 190 रन में जी 120-30 रन अकेला बाबर आजम बना देगा इट्स अ टीम गेम टी में आपने जो है सिर्फ 20-20, 25 पच्चीस रन स्कोर करने होते हैं और आप मैच जीत जाते हैं शाहिनाफरीदी ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया एंड में उन्होंने 20-22 रन तेजी के साथ बनाए और अगर आमिर जमाल इफ्तार अहमद और आजम खान ये दस दस पंद्रह पंद्रह रन भी अगर स्कोर करके आउट हो जाते एक दो बिग हेट्स लगा देते तो पाकिस्तान बहुत आसानी से मैच जीत जाता बहरहाल अगले मैच की तरफ हम जाएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए डू डुअ डाई है अगर पाकिस्तान यहाँ हारता है तो सीरीज़ उनके हाथ से जाएगी पाकिस्तान को यकीनी तौर पर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी आप आज़म खान को बिल्कुल मौका पूरा मिलना चाहिए लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन हैं आपके पास साफ ज्यादा फरहान है टीम में हसीबुल्ला बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है विकेट कीपर आप उनको आज़म खान की जगह तीसरे मैच में ट्राई कर सकते हैं और करना चाहिए और इफ्तार की जो बैटिंग पोजीशन है उसको लेके आपने बिल्कुल सोचना होगा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इफ्तार अहमद टी ट्वेंटीज़ में आप उनको अगर एज ए फिनिशर खिलाएं तो ही बेहतर है ठीक है वो नीचे से आके जो है आ, हिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को ही फ़ायदा होता है लेकिन जहाँ पर आगे वो थोड़ा सेट होने की कोशिश करते हैं तो आ, उनके लिए जो आइडियल सिचुएशन टी ट्वेंटी में वो बन नहीं पा रही है तो उम्मीद करते हैं तीसरे मैच में पाकिस्तान जो है कम करे अपनी गलतियों से सीखें और सीरीज में वापसी लें पाँच मैचों की सीरीज़ है Uh, तो मज़ा तभी आएगा जब ये सीरीज दो दो से बराबर होती है और फाइनल मैच हो लेट्स होप फॉर द बेस्ट मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदाफिज